हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं आदिल सिंधु साहब, इस्तांबुल तुर्की से। आदिल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। और आज हम आदिल भाई से पूछेंगे तुर्की के मामलात, इस्तांबुल के मामलात के, जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश या दूसरी कंट्री से लोग तुर्की में आते हैं, तो तुर्की में क्या स्कोप है? नॉर्मली देखने में यही आता है कि तुर्की को लोग एज ए गेट वे यूज़ करते हैं, ऐसी बात है आदिल भाई? जी भाई, वाह। सबसे पहले आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें चूज किया, हमसे मालूमात लेने के लिए हमें सिलेक्ट किया, आपको बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे टर्की के अंदर बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं और इंडियन भी हैं जो यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा जो फॉरनर्स की तादाद है टर्की के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले नंबर पे है वो सूरियंस हैं, सूरियंस के लोग हैं, उसके बाद जो है अफगानिस्तान के लोग हैं, और तीसरे नंबर पे है जो पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी। इन कम्युनिटीज में जो है वो पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा है, जबकि इंडियन और बांग्लादेश के लोग जो यहाँ पे कम है। अच्छा आदिल भाई, अब इसके बाद मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि तुर्की का वीजा पाकिस्तान से, इंडिया से कैसे हासिल किया जाए? तुर्की का वर्क वीजा या विजिट वीजा लेने का क्या प्रोसेस है पाकिस्तान से या इंडिया से? सर, बेसिकली टर्की के लिए आने के लिए जो पाकिस्तानी लोग हैं वो दो रूट इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो आपने सुना होगा कि डंकी वगैरह लगाते हैं, जबकि दूसरा एक लीगल प्रोसेस है के वीजा। और टर्की के अंदर वीजे की दो तीन कैटेगरीज हैं। एक तो आ जाता है कि बिजनेस का वीजा, बिजनेस क्लास वीजा, और दूसरा जो है टूरिस्ट वीजा, जस्ट जो 10 दिन या 15 दिन का मिलता है। उसके लिए फिर दो कैटेगरीज हैं। आप अगर किसी कंपनी वगैरह में जॉब कर रहे हैं तो वो उसका लेटर वगैरह लगा के तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अगर आपका अपना बिजनेस है तो फिर आपको तो मसला ही नहीं है, आप एनटीएन वगैरह लगा के डॉक्यूमेंटेशन करके तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है वीजा लगने की रेशियो जो है ये जल्जले के बाद काफी जो है अच्छी जा रही है, लेकिन नंबर दो पे जो बात है वो ये है कि अभी टीआरसी, जिसे टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहा जाता है, वो अभी मिल नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने रूल काफी चेंज कर दिए हैं। तो पहले तो होता था, जब बंदा विजिट वीजे पे आता था तो यहाँ पे टीआरसी अप्लाई कर देता था, वो साल का उसे एक कार्ड मिल जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 10 दिन के बाद बंदा इलीगल हो जाता है, यहाँ तो उसे 10 दिन के अंदर वापस जाना है, यहाँ फिर उसे फिर इलीगली तौर पर रहना है यहाँ पे। अच्छा, अगर कोई बंदा विजिट वीजा लगा के तुर्की में आता है तो क्या वो अपने विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकता है तुर्की में? सर, वही पहले बात थी कि अगर बंदा यहाँ पे टीआरसी पे हो तो फिर बंदा वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। वर्क परमिट अप्लाई करने की भी शर्त ये है कि आपके पास कम से कम जो है ना वो 6 महीने का यहाँ पे रहायशनामा हो आर्जी तौर पे, उसके बाद आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा आदिल साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि तुर्की में सैलरीज कितनी है, कितना? देखिए, हमारे जो देसी लोग हैं ना, इस वक्त उनकी पहली कोशिश ये होती है कि भाई हम कितने पैसे कमाएंगे और कितने हम बचाएंगे। तो कितने पैसे आप कमा सकते हैं और कितने बचा सकते हैं? यहाँ पे जो लोग तो हैं वर्क परमिट पे, वो तो काफी अच्छी सैलरीज ले रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली जो सैलरी है वो है वो 8500 लीरा है, 8500 तुर्किश लीरा। तो जो बंदे इलीगल हैं, गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम है, उनको काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, 12-12, 13-13 घंटे, लेकिन उनकी सैलरी कुछ लोगों की 7000 है, कुछ लोगों की 8000 है, कुछ लोग 9-10 हजार भी ले रहे हैं, जो यहाँ पे 8-8 साल से एक ही मालिक के पास काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसमें फिर आपके पास कितने पैसे, यानी कि मंथली कॉस्ट निकाल के कितने पैसे जेब में बच जाते हैं? मंथली तो अगर बंदा शेयरिंग में रहे ना जी, तो तकरीबन 300-400 रुपया रिहायश पे आ जाता है। उसके बाद जो है वो खाने पीने का तकरीबन 1500 से 2000 लीरा जो है वो बंदे का खर्चा आ जाता है, मानना 1500 से 2000 लीरा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा, इस वक्त आपने बताया कि सीरियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है तुर्की में, इसके अलावा इंडियंस लोगों की तादाद ज्यादा है या पाकिस्तानियों की? सर, यहाँ पे तुर्की के अंदर इंडियन लोगों की तादाद जो है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडियन आते हैं, लेकिन वो यहाँ से मूव करते हैं इलीगली तौर पर जाने के लिए बाय एयर, वो टंकी नहीं लगाते, वो बाय एयर का सीन है, वो यहाँ पे आते हैं लेकिन वो बाय एयर ही चले जाते हैं यहाँ से। वैसे काम वगैरह यहाँ पे इंडियंस लोग बहुत कम कर रहे हैं टर्की के अंदर। ठीक है। इसके अलावा सिंध में आपसे पूछूंगा आदिल साहब के जॉब्स कौन कौन से अवेलेबल है, किस किस किस्म की जॉब्स करते हैं अपने देसी लोग? सर, टर्की के अंदर जो हम जो लोग है ना, जो नॉर्मली काम के लिए आए हुए हैं या इलीगल है या जो लीगल है, सबसे जो ज्यादा स्कोप है टर्की के अंदर काम का वो है सिलाई का काम, जो है सबसे ज्यादा उसका स्कोप है। आप जहां भी इस्तांबुल पूरे में जहां भी जिस गली में भी चले जाएं, आपको एक ना एक फैक्ट्री उसकी किसी बेसमेंट वगैरह में जरूर मिलेगी, जहां पे आपको सिलाई का काम मिल सकता है आराम से। अच्छा, सिलाई का, ये जो कपड़ा सिलाई का काम होता है?
कपड़ा सिलाई, पैंटों की सिलाई होगी, पैंट कोट हो गया, इस तरह का सिलाई का काम का बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पे। अभी 3-3 हजार रुपया हफ्ता भी लोग ले रहे हैं, 3-3 हजार लीरे तक यहाँ पे। इसके अलावा वो जो शवारमा कटिंग का काम होता है, गोश्त बनाने का, कबाब, वो सर यहाँ पे ज्यादातर टर्किश, यहाँ पे सर ज्यादातर टर्किश लोगों के ही रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे ज्यादा टर्किश लोग ही काम कर रहे हैं, टूरिस्ट एरियाज में ज्यादा टर्किश लोग ही काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बार्बर का काम होता है, हेयर कटिंग का, उसमें भी कोई? बार्बर के काम का भी सर यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनिटी जो है इलीगल है, इस वजह से यहाँ पे पाकिस्तानियों या दूसरे लोगों के बहुत कम ज्यादा जो है बहुत कम हमाम वगैरह है। अच्छा, अपने लोग ज्यादातर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जो सुनने में आता है वहाँ तुर्की में, या फिर जो आप कह रहे हो सिलाई का काम? तुर्की के अंदर जो तुर्क साइप्रस है वहाँ पे लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन का ज्यादा काम करते हैं, लेकिन तुर्की के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन 0.5% लोग करते हैं। ज्यादा यहाँ पे काम सिलाई का काम है, और उसके बाद यहाँ पे स्टील पॉलिशिंग का काम भी है, काफी स्कोप है उसका। बेहतरीन। अच्छा, इस वक्त आप, मैं देख रहा हूँ बैठे हुए आया सोफिया के सामने, तो बहुत खूबसूरत मंजर है। तो यहाँ पे एक बहुत सारा मेन प्ले, बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं आया सोफिया में यहाँ, क्योंकि ये मुसलमानों और ईसाइयों दोनों के लिए बहुत मुकद्दस तरीन जगह है। तो यहाँ पे बहुत सारे, इस वक्त यहाँ पे ज्यादातर जो है वो फॉरेनर्स हैं, और ज्यादा की तादाद क्रिश्चियन है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। अब आप अगर अपने कैमरे से थोड़ा सा दिखा पे मुझे आसपास सर, कितने लोग? ये मेरी जो है आपको बैक साइड पे आया सोफिया नजर आ रही है, और मेरी जो है बाई साइड पे ये जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ, ब्लू मास्क है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये सामने आपको ब्लू मास्क नजर आ रही है। बेहतरीन जी। अच्छा आदिल, सब तुर्की के लोग कैसे हैं, क्या पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को? खास करके पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब पहले ये लोग सीरियंस को पसंद करते थे, लेकिन सीरियन लोग जो है उनके ना अंदर एक अकड़ है, जैसे अकड़। वो बात तो सच है ना जी, हम जो है वो पाकिस्तानी है या इंडियन है, हमारे अबाव अजदाद जो थे वो गुलाम थे। हमारी जो सोच है वो थोड़ी और तरह की है, हम जी जी कर लेते हैं। जो बेसिक वजह है ना टर्किश लोगों की पाकिस्तानियों को पसंद करने की, वो ये है कि हम जो है वो आगे से बोलते, बहुत कम लोग हैं बोलते हैं, बस जी जी, इस वजह से वो टर्किश पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं। और वैसे भी मुसलमान मुल्क है तुर्की और पाकिस्तान, तो इस वजह से भी पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं टर्किश लोग। बेसिक जो है ना टर्किश लोग, ये है तो एक तल हकीकत है कि ये सिर्फ काम के प्यारे हैं। जो बंदा इन्हें काम करके देगा, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो सीरिया से हो, उसे बहुत प्यार करते हैं। जो बंदा काम नहीं करता उसे बिल्कुल भी ये लोग पसंद नहीं करते हैं। मतलब काम तक फोकस करते हैं, काम के अलावा बात काम पे फोकस है जी बहुत ज्यादा। ये खुद भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, ये नहीं कि मैं मालिक हूं और मैं काम नहीं करूंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये लोग खुद बहुत ज्यादा काम करते हैं। सही है आदिल साहब, एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखें अपने पाकिस्तानी इंडियंस लोग नॉर्मली इसको तुर्की को एज ए गेट वे यूज करते हैं, इटली से आगे डंकी लगा के गैर कानूनी तरीके से यूरोप और कनाडा अमेरिका निकल जाते हैं, तो क्या लीगल वे भी है वहां से कोई आगे जाने की, लीगल तरीके से भी आप आगे जा सकते हो? जा सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, लेकिन कोई 0.10% लोग हैं जो यहाँ से मैंने देखे हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि यहाँ से DRC थे उनके पास टूरिस्ट वीजे पे आए थे और यहाँ से बाय एयर वो मूव हो गए हैं, वो भी इस शर्त पे उनके पास रोमानिया या फिर पुर्तगाल का वर्क परमिट था या माल्टा का, तो फिर वो मूव हुए हैं। बाकी अगर कोई बंदा कहता है कि मैं टर्की विजिट वीजे पे आऊंगा और वहां से जो है विजिट वीजा लगवा के किसी और कंट्री चला जाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वर्ल्ड लॉ है कि विजिट पे आप विजिट वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, खासकर जो एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई बंदा तुर्की में वर्क वीजा पे काम कर रहा है, तो क्या वो तुर्की से वर्क वीजा पे विजिट वीजा अप्लाई कर सकता है किसी यूरोपियन कंट्री का? हाँ बिल्कुल सर, अगर कोई बंदा यहाँ पे वर्क वीजे पे है, उसके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, अगर उसकी कंपनी उसे NRO देती है, तो वो बिल्कुल किसी शेंजन कंट्री का भी विजिट वीजा अप्लाई कर सकता है, तो उसके काफी ज्यादा चांसेस हैं वीजा लगने के। बेहतरीन। इसके अलावा कोई चीज आप आदिल भाई अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं? कहूंगा जो भी आपके ऑडियंस हैं उनको मैं ये कहूंगा कि टर्की के अंदर इस वक्त जो लोग इलीगल आ रहे थे, उनके लिए मेरा पैगाम है कि बराए मेहरबानी अभी इलीगल टर्की के अंदर ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सूरत हाल बदल चुकी है। क्योंकि पहले होता था लोग यहाँ आ जाते थे, कोई पूछता ही नहीं था, टर्किश लोग नहीं थे पूछते और पुलिस नहीं थी पूछती, लेकिन अभी पोजिशन ये हो चुकी है कि पहले तो सिर्फ सख्ती होती थी पीछे अवान तत्वान जो शहर है टर्की के बॉर्डर एरियाज में, वहां पे सख्ती होती थी, लेकिन अभी पोजीशन यह है कि इस्तांबुल के अंदर बहुत ज्यादा सख्ती है। जो लोग गैर कानूनी तौर पे पहुंचे हैं
लेकिन अभी वो किसी दोस्त के पास नहीं पहुंच सके, इस्तांबुल के करीब ही पहुंचे हैं, रास्ते से ही पकड़े गए हैं और उन्हें वापस डिपोर्ट ईरान कर दिया गया है। वो उनसे मेरा यही इतना है, मशवरा है कि वो ऐसे रस्तों से ग्रेज करें और लीगल आने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी आदिल साहब आपकी। अपने व्यूवर्स को, देखने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि आदिल भाई का यूट्यूब के ऊपर चैनल है, तुर्की के हवाले से ये व्लॉग्स वगैरह बनाते रहते हैं। जो बंदा तुर्की आना चाहता है या आगे दूसरी कंट्री में मूव होना चाहता है तो इमिग्रेशन से रिलेटेड, वर्क वीजा से रिलेटेड और टूरिस्ट वीजा से रिलेटेड वगैरह इन्फॉर्मेशन आदिल भाई भी देते हैं। आदिल भाई के चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा ये सब, तो आप आदिल भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आदिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान कौन सी जगह से बिलोंग करते हो आदिल भाई? मैं पाकिस्तान स्वर्गोदय से। और सर अगर किसी बंदे को कोई सवाल हो टर्की और उसके मतलब, तो आप हमारी चैनल पे जाके उसके कमेंट्स वगैरह करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह उनका जवाब दिया जाएगा। हम इंशाल्लाह आदिल भाई के साथ लाइव भी आएंगे यूट्यूब पे बात किसी टाइम पे, लेकिन इस वक्त आदिल भाई के इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल भाई आप खुश रहे, जहाँ भी रहे मेहरबानी। हाँ जी, अल्लाह पाक खुश रखे जी आपको जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ जी।